सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेज और पीजे वैकेंसी आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं, एक नई सीएचओ की भर्ती, बड़ी भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सब भर्तियों से अटके भर्ती रहने वाली है। यानी कि इतनी भी सीएचओ आई है उसमें 40,000 सैलरी थी, लेकिन इसमें जो है आपके 43,700 सैलरी भी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक बड़ी भर्ती है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए अपन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती आ चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है मध्य प्रदेश द्वारा संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधित वर्गों के उम्मीदवारों को 6 माह का सर्टिफिकेट CCS प्रशिक्षण कार्यक्रम चयन हेतु संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCS के लिए जो है आपके 480 पोस्टेज, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीधी भर्ती है, उसमें जो है आपके CCS मांगा गया। चयन प्रक्रिया जो है इसके हेतु दिशा निर्देश, ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड, लिखित परीक्षा वगैरह सारी चीज़ें आपको www.nhmmp.government.in पर मिल जाएगी, या फिर जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को ज्वाइन करो, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो है डेट उसकी बात करें तो 20 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी भी फॉर्म शुरू नहीं हुए, 20 तारीख से शुरू होंगे, 16 नवंबर तक चलेंगे। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। CCS के लिए जो है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, GNM, BAMS जो है ये होनी चाहिए। और CHO की बात करें सीधी भर्ती के लिए, तो आपको जो है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक उत्तीर्ण और जो है इसमें पंजीयन होना चाहिए, आपके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। प्रत्येक वर्ग में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। उम्मीदवार अपनी जो अर्हता यानी कि जो क्वालिफिकेशन अनुसार केवल एक प्रकार के प्रवेश परीक्षा में ही भाग ले सकता है। इसमें सैलरी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है, जिसमें 28,700 सैलरी प्लस 15,000 इंसेंटिव, 43,700 टोटल जो है सैलरी आपके बनने वाली है। केवल ऑनलाइन आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाएंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। ऐसे ही नर्सिंग जगत की सभी वैकेंसीज की अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में बेल नोटिफिकेशन आ रहा है यानी कि जो घंटी का निशान आ रहा है उस पर क्लिक करके ऊपर ऑल पे दबा दो, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जो है जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। मिलते अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।